अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे। अब रोज़ा तो लास्ट लास्ट रह गया है, अफ्तारी बनाते बनाते थक गए हैं और चाहते हैं कुछ चटपटा और टेस्टी खाने के लिए और आसानी से बने, तो आप ये चिकन पॉकेट्स बना लीजिए। बहुत आसान तरीके से बनता है और बहुत ही खाने में अच्छा लगता है। तो इसके लिए सबसे पहले चिकन की फिलिंग तैयार करेंगे। नो मैरिनेशन, मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट बनता है। तो बस पैन में डालेंगे तेल, 2 टीस्पून भिजा हुआ लहसुन अदरक और लाल मिर्च। लाल मिर्च की जगह आप हरी मिर्च भी बारीक कट के और डाल सकते हैं। और डाल के इसको हल्का सा सौटे करेंगे ताकि इसका फ्लेवर जो है अच्छे से ऑयल में आ जाए। उसके बाद इसमें बोनलेस चिकन डाल देंगे, छोटा छोटा क्यूब में कट करके डालेंगे, ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं करना है। बोनलेस चिकन हो, छोटा छोटा कट किया हुआ हो। तो ये एक चिकन का पूरा ब्रेस्ट है जो कि 1/2 kg से थोड़ा ज़्यादा ही होगा। नमक डालेंगे 1 टीस्पून, क्योंकि इसमें सोया सॉस भी जाएगा। 1/2 टीस्पून काली मिर्च कुटी हुई जाएगी, सोया सॉस 2 से 3 टीस्पून, और नमक का ध्यान रखिएगा 1 से 2 टीस्पून जाएगा। रेड चिली सॉस वैसे ही 1 से 2 टीस्पून जाएगा, ग्रीन चिली सॉस। बहुत ही चटपटा चटाकेदार बनेगा। इसमें आप डाल सकते हो ऑरिगैनो, मिक्स्ड हर्ब्स डाल सकते हो, या पिज़्ज़ा सीजनिंग हो, पास्ता मिक्स हो, कुछ भी चटपटा सा मसाला आप डाल सकते हो। डाल करके अच्छे से पकाना है कि चिकन अच्छे से गल जाए। ढक के पका लीजिए, अगर पानी डालना है तो आधा पानी भी डाल के अच्छे से पका लेना है। चिकन जब अच्छे से गल जाए तो इसमें आप अपनी मनचाही सब्ज़ी डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने कैबेज लिया है, पत्ता गोभी एकदम बारीक कट कर लिया है, गाजर ले लिया है, बेल पेपर ले लिया है, कैप्सिकम है, तो जो भी आपको पसंद है या आपके बच्चों का पसंदीदा सब्ज़ी है वो आप डाल सकते हो इसमें चिकन पॉकेट्स में। ग्रीन चिली एक है बारीक कट की हुई, कैप्सिकम है, शिमला मिर्च और बेल पेपर है। तो जो भी सब्ज़ी अवेलेबल है, या जैसे कि आप चाहें तो स्वीट कॉर्न भी डाल सकते हो, बॉयल्ड स्वीट कॉर्न। सारी सब्ज़ियाँ एक बार पैन में डाल दें तो फ्लेम को हाई करके अच्छे से सब्ज़ियों को चिकन में मिक्स करेंगे ताकि सब्ज़ियाँ भी नरम हो जाएं और इनका फ्लेवर जो है चिकन में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो 4 से 5 मिनट लगेगा। 4 से 5 मिनट में बहुत अच्छे से आप देख रहे हो नरम सब्ज़ियाँ हो गई हैं। तो फ्लेम ऑफ कर दीजिए, हल्का सा ठंडा हो जाए तो इसमें आप 3 से 4 टीस्पून मेयो मिला दीजिए। आप चाहें तो होममेड मेयोनीज बना डाल सकते हो। तो यहाँ पे तो हमने रेडीमेड डाला है, तो जो भी आपके पास अवेलेबल है मेयोनीज वो आप डाल दीजिए। इसमें अच्छे से मिक्स करना है, लेकिन थोड़ा ठंडा होने दीजिएगा, गरम गरम में नहीं डालना है और फ्लेम पे भी नहीं डालना है। ये फिलिंग रेडी हो गई। तो अब लेना है ब्रेड, और ब्रेड का जो किनारा हम कट करेंगे उसको हल्का सा बेक करके या तवे पे सेक करके ब्रेड क्रम्स बना लेंगे, वो भी वेस्ट नहीं होगा, सारा यूज़ होगा। तो इस तरह से किनारा साइड से थोड़ा थोड़ा कट करना है, 2 स्लाइस एक बार लेंगे और दोनों का चारों तरफ से किनारा कट कर लेंगे। अब बेलन से इसको बेल लेंगे, हल्के हाथों से बेलना है, प्रेस करके बेलना है हल्के हाथों से। इसके लिए ब्रेड फ्रेश लेना है, फ्रेश रहेगा तब बहुत आसानी से बेलाएगा, टूटेगा नहीं। और कोई भी ग्लास जिसका किनारा शार्प हो उससे आप कट कर लीजिए, और ये किनारा जो है वेस्ट नहीं होगा, इसका ब्रेड क्रम्स बना सकते हो। आपके पास पहले से है तो इसे आप स्टोर करके रख सकते हो, इसको बेक करके या हल्का सा तवे पे बटर के साथ सेक के चाय के साथ खा लीजिए, ये भी वेस्ट नहीं होगा। ब्रेड सारा एक बार इस तरह से गोल गोल कट कर लेंगे, उसके बाद अंडा लेंगे। तो जितना आपको बनाना है चिकन पॉकेट उसी हिसाब से 3 से 4 अंडा लेना है, और इसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए 1 से 2 पिंच डाल करके फेंट लेना, अच्छे से अंडा को फेंट लेंगे और ब्रेड क्रम्स रख लेंगे। ब्रेड क्रम्स हमने अभी फ्रेश बना लिया, आपके पास पहले से है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। अब 2 स्लाइस साथ में उठाना है, जैसे 2 स्लाइस हमने साथ में कट भी किया था, तो 2 स्लाइस उठाएंगे, अंडे के मिक्सचर में डिप करेंगे, किनारे ज़रूर चारों तरफ से लगाइएगा ताकि सील हो जाए, जब उसको हम डीप फ्राई करें तो फटे नहीं, पॉकेट जैसा बनना है, पूरी जैसा बनेगा। तो किनारे किनारे ब्रेड क्रम्स भी लगाएंगे और अंडे में भी अच्छे से डिप करेंगे। एक बार अंडे के मिक्सचर में डिप कर लेंगे, बहुत अच्छे से डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्स में डाल के इस तरह से फोल्ड कर लेना है, अच्छे से कवर कर देना है इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स से। तो ये सारा आप करके इकट्ठे रख सकते हो। उसके बाद डीप फ्राई करना है तो पैन में अच्छा तेल लेंगे, गरम करेंगे, तेल जब गरम हो जाए तो गरम तेल में एक एक करके डालना है, 2 स्लाइस जो साथ में हमने डिप किया है दोनों साथ में डालना है ताकि पूरी जैसा बने। इस तरह से एक बार आप डालोगे, डाल के हल्का सा टैप करेंगे
तो आप देखेंगे कि ये फूल जाएगा। ज़्यादा चिल्लाना नहीं लगना है, क्योंकि फटे नहीं, अलग नहीं होना चाहिए, दोनों साथ में रहे। तो इस तरह से पूरी जैसा बन गया, आप देख रहे हो। तो डीप फ्राई हो गया, बहुत जल्दी बनता है, बहुत ही आसानी से बनता है। आधे घंटे में ये चिकन पॉकेट्स रेडी हो जाता है और खाने में इतना जायकेदार होगा कि मत पूछिए, और एकदम करारा, क्रिस्पी बहुत ज़्यादा होगा। तो बस इस तरह से अब जो हमने ब्रेड के स्लाइस को फ्राई करके रखा है पूरी जैसा, उसको कट करेंगे। तो दो स्लाइस इस तरह से देखिए पॉकेट जैसा बन गया। अंडे की वजह से किनारा बिल्कुल सील हो गया और ब्रेड क्रम्स भी लग गया था, तो बहुत ज़्यादा क्रंची भी हो गया है। अब इसमें जो चिकन की फिलिंग हमने तैयार करके रखी है, मेयोनीज, इतनी सारी सब्जियाँ, चिकन, तो इसको फिल कर देना है, पॉकेट को भर देना है। तो ये चिकन पॉकेट अफ्तारी के लिए तो बेस्ट है, बहुत आसानी से बनता है और खाने में ज़बरदस्त। आप इसको चाय के साथ ही बना सकते हो, कोई भी गेस्ट घर पर आ रहा है तो चाय पर आप ये बना दीजिए, तारीफ़ करते लोग थकेंगे नहीं। और ये अफ्तारी में आप बनाएंगे, देखिएगा कि और सारी चीज़ें बच जाएंगी, लेकिन ये चिकन पॉकेट्स एक भी नहीं बचेगा। हेल्दी सा है ये, ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा अफ्तारी में। खूब सारा अपना ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।